हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अब साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि मुझे वहाँ जाना है जहाँ पर फंक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह होती है, तो मैं उस पूजा में थोड़ी देर बैठ कर आऊँगी। और मेरा खाना पीना मैंने कंप्लीट कर लिया था, अभी बज रहे हैं शायद 10 बज रहे हैं अभी। और सब्जियाँ दाल बना कर रख दी है, खाना तो तभी बनेगा जब सब लोग आ जाएंगे। तो देखिए, मैं ये बोट नेक गला है मेरे इस ब्लाउज का, और बहुत सुंदर ब्लाउज लगता है मुझे ये। और साड़ी है ना, ये बहुत ही हल्की है और लाइट कलर भी लाइट है इसका, और वेट भी बहुत लाइट है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मी की वजह से मैंने यही वाली लाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी। बताइएगा आपको कैसी लग रही है। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। तो मैं आपसे कह रही थी कि दीदी देखिए, अब मैं पल्ला रखूंगी सिर पर, और अब आ गई हूँ बहू वाले रोल में। तो मैं जा रही हूँ, फिर आगे खाना पीना भी देखना है। तो देखिए, मैं खाना बना रही हूँ, ये देखिए थाली लगा दी है मैंने, अब मैं भिजवा रही हूँ थालियों को। और देखिए, ये मेरी दीदी है, मतलब मेरी जिठानी, तो ये थाली लगा रही थी खाने की और मैं रोटियाँ बना रही थी। और फिर देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही, क्योंकि दोपहर के 12-1 बज रहा था उस टाइम। और किचन में ना हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बच्चे खाना दे रहे थे और दीदी खाना लगा रही थी, मैं रोटियां सेक रही थी। और फटाफट से हमारा खाना हमने दे दिया था। तो देखिए, ये हमारी चाची जी हैं, ये ग्वालियर में रहती हैं। तो अब खाना हो गया था इनका, तो कुछ मीठा दिया था तो मीठा खा रहे थे ये लोग। और ये मेरे पापा हैं, तो सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और ये देखिए, ये मेरे चाचा ससुर हैं, ये जो ये ग्वालियर में जो रहते हैं। और सभी लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर पापा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब लोग दूर दूर रहते हैं, तो कभी कभार ही किसी शादी या फंक्शन में ही मिल पाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं मिल पाते, तो बहुत उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उन्हें बचपन की वही यादें उनकी ताज़ा हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों से मिलना जुलना और बातें करना। तो हम लोग भी यहाँ बाहर ही खड़े होकर बातें सुन रहे थे सब लोगों की, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कराई थी चाची जी के साथ, क्योंकि चाची जी हर बार नहीं आ पाती हैं, रोज़ रोज़ नहीं आ पाती हैं, कभी कभार ही आती हैं। और बच्चे भी फ़ोटो खिंचा रहे थे चाची जी के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा था। चाची जी बच्चों के साथ बहुत खुश थी और बहुत सारी बातें कर रही थी पढ़ाई से रिलेटिव। नहीं, वो बेचारा बोला कि भाई हमारा खाना तैयार है, चलो आप सारे बार तैयार है। पहले हमने बारह की बनाई थी, 12:30 बारह में। अब उन्होंने जो हम पूछी जो बोले बोले 1 बजे आए थे, तो हमने कहा तुम कह लो। नहीं, मैं इशारा कर दिया मैंने कुत्तों को। हमारे जब रिश्तेदार आते हैं तो ये बड़े कुत्ते बेसरम है, तो इन्हें भांग दिया जाता है। क्या है? नहीं बेटी, नीचे जाओ। अच्छा, बैड मैनर्स। ओए श्रेया, हाँ जल्दी आ। तो देखिए, हम वहाँ से आ रहे थे खाना खाने के लिए, गए थे हम लोग, मैं और दीदी, और वहीं से आ रहे थे। तो कान्हा ने क्लिप निकाल ली थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे, तो हमने थोड़ा सा घूंघट कर लिया था। तो देखिए, यहाँ पे खाना शुरू हो गया है, और अभी थोड़े ही वो लोग आए हैं और अभी आना स्टार्ट होंगे। तो देखिए, ऊपर खाना लगा हुआ है, नीचे वाले पोर्शन में भी टेबल और कुर्सियाँ लगी हुई थी, तो कुछ लोग वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और कुछ लोग ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। फ़ैन वगैरह चल रहे थे पर फिर भी गर्मी हो रही थी, तो ऊपर थोड़ा ठंडा था, तो इसलिए सब लोग ऊपर आकर ज़्यादा लोग खाना खा रहे थे। और मैं अपने गाँव का व्यू आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हरे हरे पेड़ घर लग रहा है। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रखा था, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। और जो नए आए हो मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ खाना वाना होता है। मुझे पता आप लोगों के यहाँ भी होता, क्योंकि ये तेरहवीं भोज तो हर किसी के यहाँ होता है। आप बताइए आपके यहाँ किस तरीके से होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो अब व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है, गांव का व्यू। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे खाना खा रहे थे।
कहीं भी कोई भी फंक्शन हो दावत वगैरह का तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को अच्छा लगता है, खूब इंजॉय करते हैं बच्चे। और ये देखिए ये हमारे घर में ये पेड़ खड़ा है, कितना सुंदर है ये, मतलब चाचा जी के घर में बहुत बड़ा पेड़ हो गया है ये। तो देखिए इस तरीके से परोस के दिया जा रहा था, नीचे टेबल वगैरह लगाई गई थी और ऊपर इस तरीके से ज़मीन पे बिछाया गया था। तो टेबल कुर्सियों में तो कुछ ही लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि नीचे गर्मी थी तो थोड़ा ऊपर ही आकर सब लोग खाना खा रहे थे। और गांव में ना नीचे बैठ कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, अच्छे से आराम से खा लेते हैं। और ये देखिए बच्चे खड़े हुए थे बाहर और बातें कर रहे थे, मैंने इनकी वॉइस कट नहीं की थी क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं सारे, तो कभी कभार ही मिल पाते, तो खूब इंजॉय करते हैं आपस में बातें करके। और ये देखिए यहाँ पर ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे बच्चे, देखिए खाना आ रहा है। और कान्हा ने वीडियो बनाई थी तो पूरी वीडियो नहीं बना पाया था, वो आधा अधूरा ही खाना दिखाया था, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है ना, बच्चों से बोलो वीडियो बनाने की तो बनाते नहीं है। मैं बाहर जा नहीं सकती थी इसलिए बस आधा ही खाना आया था पत्तल में और उसने बस वीडियो बंद कर दी थी। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय।